अस्सलाम वालेकुम। मधिया के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केमामी सेवैयाँ। तो उसके लिए मैं ली हूँ आधा किलो सेवैयाँ और ये भुनी हुई सेवैयाँ। इसे हल्का सा मैं गरम कर ली हूँ और ये आधा किलो मैं 500 ग्राम खोवा ली हूँ। ये मेरा बाज़ार का है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। और 1 लीटर मेरा अमूल ताज़ा दूध है, आप जो चाहें वो दूध ले सकते हैं। और थोड़ा सा मेरे मसाले हैं काजू हैं और बादाम और किशमिश। मैं काजू बादाम को इसे मिक्सी जार में थोड़ा सा पीस ली हूँ, कुछ खड़े हैं कुछ ऐसे पीसे हुए हैं। और ये शक्कर है मेरा 600 ग्राम शक्कर है। अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो 500 ग्राम शक्कर कर लें। और ये 1 टेबल स्पून घी है, मेरी देसी घी है, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं रिफाइन तेल में। और ये 3 लौंग और 2 छोटी इलायची। देखिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें डाल देंगे घी। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे लौंग और इलायची। दस 15 सेकंड इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे दूध। अगर आप दूध कम डालना चाहते हैं तो आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी कर सकते हैं। मेरा 1 लीटर दूध है इसीलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। अब दूध में एक उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे शक्कर। देखिए इसमें उबाल आ गया, अब डाल देंगे शक्कर। अब इसे मिक्स कर देंगे और इसे आधा होने तक पका लेंगे। इसमें उबाल अच्छे से आने लगा है और मेरी शक्कर पूरा अच्छे से घुल गई है। अब इसमें डाल देंगे मसाले और इसे 20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चाशनी आपस में ऐसे पकड़ने पे चिपचिपाने ना लगे। ये मेरा 14 मिनट से पक रहा है, देखिए अब ये चिपचिपा नहीं रहा। इसे 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद ये पाक अच्छे से हो जाएगी। देखिए अच्छे से हो गया है, 5 मिनट में इसे और पकाई हूँ। और इसमें मैं 1 टीस्पून रेड कलर डाल दी हूँ। अब गैस को करेंगे बंद और इसे इसमें सेवैयाँ डाल के मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको रेड कलर ना डालना है तो ना डालने, डालने से कलर अच्छा आता है। एकदम बारीक सेवैयाँ हैं, आप चाहें तो थोड़ा मोटी वाली भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें ऊपर से खोआ भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। मैं सारे खोआ डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बचाएंगे ऊपर से डालने के लिए। देखिए मेरा बन के तैयार हो गया। मैं एक बर्तन में इसे बाहर निकाल ली हूँ और ऊपर से थोड़ा सा मैं खोया डाल दी हूँ। अगर आप लोग डालना चाहें तो ज़रूर डालें। और ये बहुत अच्छी सेवैयाँ बनी है, कमामी सेवैयाँ हैं, आप लोग ज़रूर एक बार बनाएं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।